यार 25 रोजे गुजर चुके हैं, पता नहीं अब कोई दर्दी हमें कपड़े सीकर देगा भी या नहीं। चलो देखते हैं। ईद से पहले बुकिंग बंद है यार, जिस चीज का डर था ना वही हुआ। मैं राकेश में ये बता रहा हूँ, हमारे साथ ऐसा ही होना है। चलो बात तो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जल्दी जल्दी हम दोनों भाइयों का नाप ले लें, हमने ईद के लिए सूट सिलवाने हैं। भाईजान पागल तो नहीं हो आप? 25 रोजे गुजर गए और आप अब सूट लेके आ रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है, इससे पहले सूट लेके आ जाते और कहते हमें 2 दिन के अंदर सूट चाहिए। कंट्रोल, ये कौन सा तरीका है? आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले बहुत ज्यादा देखो रश लगा हुआ है, मैं पहले नहीं कवर कर पा रहा और ऊपर से आप और लेके आ गए। चलिए यहाँ से, पास टाइम नहीं है, चलिए। राजे भाई अब क्या करें, दर्जी ने तो सूट सीने दिए, सूट तो सिलवाने हैं ना। इस हराम खोर का कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं, मेरे पास एक प्लान है। चलो हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए आपके दिमाग में बात नहीं कुछ थी? नहीं है मेरे पास टाइम, ले जाओ इसे। मेहरबानी करके हमें सिलाई करके दे दें, हमने ईद पे पहनने हैं। ओ भाई जान मेरा दिमाग ना खराब करो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ रश की वजह से। चले जाओ, मैंने कपड़े नहीं सी के देने, चले जाओ, ऐसा तमाशा बन जाएगा। मेहरबानी करो यार। क्या मेहरबानी करो, टाइम पे आओ तो मेहरबानी करो ना, टाइम पे आओ तो आपको सी के दूं। ईद के नजदीक आ जाते और कहते हो एक दिन में हमें सूट सी के दो। नहीं है मेरे पास टाइम, नहीं मैं सी के दे सकता, चले जाओ यहाँ से, नहीं मैं सी देता। भाई जान ये मोटरसाइकिल की चाबी ले लें, हमें कपड़े सिलाई करके दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। 2 सूटों की सिलाई के बदले मोटरसाइकिल, वाह, कब चाहिए आपको सूट? ईद से एक दिन पहले। चलें ठीक है, आप चांद रात को आके ले लीजिएगा। मेहरबानी भाई जान। शुक्रिया भैया, चलो फिर चांद रात को मिलते हैं। भाई जान हमारे कपड़े तैयार हो गए हैं। हाँ सिल गए यार, इनको कपड़े उठा दो। हमने अपना काम कर दिया है और उस दर्जी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पुलिस वाले हो या आम बंदे हो, बाकी तुम खुद संभाल लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ पता करता हूँ। यार मुझे तो यही बाइक लग रही है और दुकान भी इसने यही बताई थी, चलो पता करता हूँ। हेलो भाईजान दर्जी साहब। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हुआ, ये मोटरसाइकिल किसका है? ये सर मेरा, क्यों खैरियत क्या हुआ है? चलो आओ ना थाने, तुझे पता चल जाएगा ये बाइक किसका है। चलो मेरे साथ थाने चलो, जब ईद थाने गुजारोगे ना तो सब पता चल जाएगा कि मोटरसाइकिल चोरी कैसे करते हैं।